नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफी इंतजार के बाद यूपी ट्रिपल एससी 2018 री एग्जाम का रिजल्ट फाइनल घोषित हो चुका है। तो जितने भी बच्चे इस रिजल्ट में सेलेक्ट हुए हैं, सभी को टीम परीक्षा प्लस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार जरूर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पर हुआ है। तो आपको देखिए, जहां पर यहां पर बात की गई है 2018 का ये टोटल था, जिसमें 527 आपके ग्राम पंचायत अधिकारी के पद थे, जिसमें से 526 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी के 362 में 360 लोगों का हुआ है और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 में 64 लोगों का हुआ है। ठीक है, यही यहां पर पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि जितने भी यहां रिक्त पद थे इनका पूरा सिलेक्शन 296 में 296, 20 का 20, 370 में 370 में एक सीट आपकी कम छूट गई है यहां पर, बाकी आपके 1526 27 में से पूरे भरे गए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के। ग्राम विकास अधिकारी की बात किया जाए तो 362 में 360 आपके फिल हुए हैं, दो सीट वैकेंट रही हैं। और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की बात किया जाए तो पूरे 64 के 64 सीट भरी गई है और इसमें सबके सब सीटें भरी गई हैं, किसी में भी रिक्त नहीं है। अगर हम बात करें यहां पर आपके कट ऑफ की कट ऑफ क्या गया है, सबसे बड़ी बात कि सभी की अलग अलग कट ऑफ कितनी गई है, एक बार जरूर देख लीजिए कि क्या फाइनल ये बाकी उन बच्चों के रोल नंबर हैं जो सेलेक्ट हुए हैं फाइनली, तो इन सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। जैसे यहां पर देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी की बात किया जाए तो ग्राम पंचायत अधिकारी में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अनारक्षित यूआर की जो कट ऑफ गई है वो नॉर्मलाइज स्कोर 214 का पास पास गया है और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि है वो 31/3/91 का है। और अनुसूचित जाति की बात करें तो 188.63, अनुसूचित जनजाति की 161 गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 209 गई है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से यहां पर क्षैतिज आरक्षण की बात किया जाए तो स्वतंत्रता ग्राम से नारी के 166 मार्क्स गए हैं, महिला के 200 मार्क्स गए हैं और भूतपूर्व सैनिक के 130 नंबर आपके कट ऑफ गए हैं। ये आपका ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो की अगर बात किया जाए तो, और यहीं पर अगर ग्राम विकास अधिकारी की बात किया जाए, ठीक है, यहां पर वीपीओ की है, वो जो अभी वीपीओ होने वाला है उसी की कटअप थी ग्राम पंचायत अधिकारी, ये वीडियो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकी कटअप क्या लगी है तो यहां 213 कितनी कटअप लगी है, 213.33 लगी है। अनुसूचित जाति की आपकी 187.5, अनुसूचित जनजाति 160, अन्य पिछड़ा वर्ग 209 पे इसकी कट ऑफ लगी है। और अगर बात किया जाए कि भैया पर्यवेक्षक वाले की 36 में आप देख लीजिए यहां पर विकलांग में पीबी पीडी इन सब की 189, 144, 187 और स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो आश्रित है 163.94 गए, महिला की 199 और भूतपूर्व सैनिक की 129 गई है। ठीक, और प्रेक्षक की बात किया जाए तो ये सबसे ज्यादा कट ऑफ क्योंकि सीटें भी कम थी तो ओवरऑल 219.78 गई है। अनुसूचित जाति की आपकी 188 गई है, अनुसूचित जनजाति की पद ही नहीं थे और अन्य पिछड़ा वर्ग के 210 मार्क्स यहां पर गए हैं। और यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाले में 205 गया है, विकलांग में 191 गया है, महिला का 205 और भूतपूर्व सैनिक के 161.77 मार्क्स गए हैं। तो ये आपकी कट ऑफ लगी है और जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से आप सभी बताइएगा कि ये 2018 का सफर था, 18 में एग्जाम हुआ, सब कुछ फाइनल था, डीवी ओवी होने के बाद पूरा का पूरा प्रक्रिया कैंसिल कर दिया गया, फिर से इसका री एग्जाम कंडक्ट कराया गया और फिर अब जाके ये भर्ती पूर्ण रूप से फाइनल हो गई है। अब इन्हें नियुक्ति पत्र योगी जी देंगे, जैसे अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला मिला, अब इन्हें भी जल्द से जल्द विद इन 15-20 डेज हमें लगता है कि इन्हें भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।